हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो ये ऊटी के सीरीज़ से थोड़ा हटके वीडियो है। ये है नवाबी जायकों का लखनवी अवधी क्विजिन के फेमस गलौटी कबाब बनते हुए देखेंगे और उसका जायका देखेंगे। लखनवी की फेमस अवधी बिरयानी ट्राई करेंगे और जो लखनऊ के जायके हैं वो भी हम देखेंगे और ट्राई करेंगे। तो मैं आया हूँ एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में जो कि फेमस है लखनऊ के फूड के लिए, अवधी क्विजिन के लिए। तो हम यहाँ पर इनके स्पेसिफिकली गलौटी कबाब जो होते हैं वो ट्राई करने आए हैं और जिसको हम ट्राई करेंगे टुंडे पराठे के साथ। ये मुगलई पराठा होता है और इनकी बिरयानी के भी बहुत वैरायटी है यहाँ पे। इनकी फेमस स्वीट ट्राई करेंगे और इनकी बिरयानी भी देखेंगे। तो मैं इस वक्त हूँ KHB कॉलोनी जो कोरामंगला बेंगलोर में 5th ब्लॉक में। तो ये रोड फूड स्ट्रीट है, आगे आप जाएंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे और रमज़ान फूड स्ट्रीट भी यहाँ पे इसी रोड पे आगे लगता है। तो ये है कोरामंगला और ये इनका देखिए मेन्यू है। तो हमने ऑर्डर कर लिए हैं गलौटी कबाब और अब हम जाकर चेक करेंगे कि कैसे बनते हैं गलौटी कबाब और किस तरीके से तैयार होते हैं। तो जो मुंह में घुल जाने वाले वर्ल्ड फेमस हैं ये लखनऊ स्ट्रीट के गलौटी कबाब, जो टुंडे कबाबी है लखनऊ में, तो उनका ये फ्रेंचाइजी है और उनका सेम स्पेसिफिक ऑथेंटिक टेस्ट लेकर आए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा टुंडे पराठा बन रहा है और ये अंदर का रेस्टोरेंट है और आप कम्प्लीट देखेंगे हम। तो चलिए इस जायके के सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कि गलौटी कबाब कैसे बनते हैं और किस तरीके से वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेडिशनल जो एक जो बड़ी थाली जैसा एक तवा होता है उसमें ये बनाए जाते हैं। तो इसके मसाले रेडी करके रखते हैं तवे पे, इसको डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मसाले आप देख रहे हैं इसमें कच्चा पपीता होता है, बेसन होता है, मटन होता है और बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम ट्राई करेंगे आगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़े रेडी हैं और थोड़े अभी शुरू किए गए हैं और ये तेल में इसको बनाया जाता है। तो ये शैलो फ्राई होते हैं, ये जो गलौटी कबाब होते हैं ये वर्ल्ड फेमस हैं जो मुंह में घुल जाने वाले कबाब। तो ये नवाबी जायके हैं जो लखनऊ अवध के जो नवाब थे तब से उनके टाइम से ये जायके चले आ रहे हैं। तो लखनऊ में बहुत ही फेमस हैं ये और यहाँ पर टुंडे पराठा बिल्कुल ही रेडी हो चुका है जिसको हम खाएँगे गलौटी कबाब के साथ। तो जैसे ये गलौटी कबाब की जो हिस्ट्री है, जो लखनऊ में टुंडे के कबाब जो होते हैं वो यही गलौटी कबाब हैं और इसकी हिस्ट्री ऐसे है कि जो नवाब थे लखनऊ के वो खाने के शौकीन थे, गोश्त के खाने के शौकीन थे। तो उनको एक ऐसी कबाब की डिश चाहिए थी जो अगर आपके मुंह में दाँत भी ना हो तो भी अच्छी तरीके आराम से खाया जा सके, जो मुंह में मेल्ट इन द माउथ हो। तो उसके वजह से इस गलौटी कबाब का ईजाद हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि एक कॉन्टेस्ट था उस ज़माने में कि कौन सा खानसमा एकदम सॉफ्टेस्ट कबाब बनाएगा। तो ये जो ईजाद हुई है गलौटी कबाब, तो उसी कॉन्टेस्ट में जिसने बनाए थे, तो उसके बाद से ये कंटिन्यू होते आ रहे हैं एक ट्रेडिशन की तरह, जो लखनऊ में बहुत ही फेमस हैं ये टुंडे के कबाब यानी कि जो गलौटी कबाब हैं। तो इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं तैयार होने में दोनों तरफ से। और यहाँ पे देखिए तेल में ये शैलो फ्राई होते हैं, ये डीप फ्राई नहीं है क्योंकि ये सबसे जितने भी कबाब हैं उसमें से सॉफ्टेस्ट यानी कि जो आप नरम बोलेंगे वैसे कबाब होते हैं गलौटी कबाब। तो चले चलते हैं अंदर, ये देखिए एम्बियंस है रेस्टोरेंट का। तो हमने ऑर्डर भी कर दिया और हमारे जो जायके हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए टुंडे कबाब यानी कि जो गलौटी कबाब होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया 5 से 7 मिनट लगते हैं दोनों साइड ये तैयार होने में। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हैं, अभी हमारे टेबल पर आएंगे और उसको हम ट्राई करेंगे यहाँ के लखनऊ के अवधी जायके। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, हम देखेंगे कि इनका कैसे जायके हैं। तो अभी हम फूड ट्राई करेंगे इनका। तो ये बन रहे हैं, तो मैं आया हूँ आज लखनऊ स्ट्रीट जो फेमस है लखनवी अवधी क्विजिन के लिए कोरामंगला में। इनका और एक सेम आउटलेट है जो है चर्च स्ट्रीट ब्रिगेड रोड के पास, तो वो वहाँ पे भी हमने पहले एक बार ट्राई किया है। तो ये मैं आया हूँ पहली बार इस कोरामंगला के रेस्टोरेंट में, तो जहाँ पे हम ट्राई करेंगे गलौटी कबाब जो मेल्ट इन द माउथ फेमस लखनऊ के कबाब हैं, इसको खाते हैं टुंडे पराठे के साथ। और यहाँ पर रोल्स भी मिलते हैं जहाँ पर आपको पराठे के अंदर इसी कबाब को लगा कर देते हैं, तो वो भी ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे टेबल पर लग चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हमारे जायके के सफ़र को आज लखनऊ स्ट्रीट के लखनवी अवधी क्विजिन के जायके। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं हूँ लखनऊ स्ट्रीट में जो कि KHB कॉलोनी जो है 5th ब्लॉक कोरामंगला का जो मेन फूड स्ट्रीट है वहाँ पर लखनऊ स्ट्रीट का रेस्टोरेंट है। तो चले चलते हैं वापस अंदर और यहाँ पर हमारा जायका शुरू करते हैं। तो ये हमारे टेबल पर आ चुके हैं गलौटी कबाब और ये टुंडे पराठा है। टुंडे पराठा यहाँ का जिसके साथ ये खाते हैं। ये जो गलौटी कबाब है इसमें बेसन, पपीता, मटन
और मसाले पड़ते हैं, तो ये मेल्ट इन द माउथ होता है, तो देखेंगे कि कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है टुंडे पराठा, चटनी, प्याज आ चुकी है, नींबू भी है। तो मेन हमको गलौटी कबाब जो अवधी क्विजिन होता है, जिसमें लखनऊ का जो क्विजिन है जिसका फेमस है गलौटी कबाब, तो वो हम ट्राई करने आए हैं लखनऊ स्ट्रीट में, जो कि कोरमंगला में भी है और चर्च स्ट्रीट में भी है। तो हम आए हैं कोरमंगला के आउटलेट में। ये देखिए, ये है गलौटी कबाब। ऐसी हमने लगा लिया यहाँ पे। देखिए ये ऐसा है टुंडे पराठा, इतनी कंसिस्टेंसी है इसकी, इतनी बारी, इतनी इतना इसकी थिकनेस है, और ऊपर से अच्छा रोस्टेड हुआ है। ये जो उल्टे जो कढ़ाई होती है, उल्टी कढ़ाई या तवा बोल सकते हैं उसको, उसके ऊपर पकाते हैं। तो पहला मेरा ध्यान सिर्फ यहीं पे है। ये बहुत ही नरम है ये। चलिए बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह से एकदम ही मेल्ट इन द माउथ है, गर्मा गर्म है। और इसको टेस्ट करते ही इसका जो खाने का इत्र होता है, जो एरोमा होता है, इत्र भी होता है लखनवी जो अवधी क्विजिन में, जो एडिबल इत्र होता है वो यूज़ होता है। तो एक फर्स्ट बाइट में ही इत्र का और एकदम स्पाइसेस मेल्ट इन द माउथ का, एकदम रोस्टेडनेस बहुत ही अच्छा है। अनलाइक अदर कबाब से ये स्पेशलिटी होती है गलौटी कबाब की, जो मेल्ट इन द माउथ होता है, तो वैसा ही है ये। सबसे पहले इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं, इस रोटी को। ये रोटी भी अच्छी है, सॉफ्ट है, मस्त है, तो इसके साथ खाते हैं। ये अगर इसको रोटी में लगा भी सकते हैं ऐसे, इतना नरम है ये कबाब। बहुत ही मस्त है और खाने का मज़ा आ रहा है। मसालों के साथ जो अवधी क्विजिन होता है वो लखनऊ का क्विजिन है, और मुगलाई क्विजिन एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंडर आएगा अवधी क्विजिन, जो लखनऊ का होता है, जिसमें मसालों मुगलाई में कैसा फ़र्क होता है। मुगलाई फूड में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, इसमें उससे थोड़ा कम होते हैं लखनवी अवधी में। और ये स्लो कुकिंग मेथड से बनता है, यानी कि जो दम मेथड होता है, जो स्लो कुकिंग मेथड उसमें पकाते हैं, वैसा है ये। ये बहुत ही मस्त है टुंडे पराठा और रोटी कबाब का टेस्ट। और यहाँ पे हमारे लखनऊ की अवधी बिरयानी आ चुकी है। ये मटन बिरयानी है, जिसमें दो मटन के पीसेस होते हैं, और इसके साथ आई है ये, और ये सालन आया है इसके साथ। देखेंगे कि कैसा है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खाना मुबारक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं लाता हूँ आपके लिए डेली वीडियोस, जो ट्रैवल और फूड के होते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस लाता हूँ मैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए खाना मुबारक, और टैप करिए बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए। तो जो हमारे नए दोस्त हमारा ये चैनल खाना मुबारक देख रहे हैं, तो मैं अच्छे अच्छे ट्रैवल फूड वीडियोस हम एक्सप्लोर करते हैं नए जगह, और जो फूड होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमारा ऊटी और कुन्नूर का सीरीज़ चल रहा है, तो वो इसके बीच में ये एक फूड के जायके का वीडियो डाला है, तो अभी इसके बाद हमारा ऊटी कुन्नूर का कंटिन्यू होगा सीरीज़। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और इसके जायके का लुत्फ़ उठाइए। आप भी ज़रूर आइएगा रेस्टोरेंट्स में, और हमारे जो ट्रैवल के और फूड के जो अपडेट्स होते हैं उसको पाने के लिए खाना मुबारक को सब्सक्राइब करिए और टैप करिए बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसी ज़बरदस्त दिख रही है बिरयानी, और लंबे जो बिरयानी राइस होती है बासमती राइस, उससे जायकेदार बनी हुई बिरयानी, देखे कैसे चावल हैं। तो चलिए बिरयानी के जायके को शुरू करते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो ये आ गए हमारे लखनऊ की बिरयानी, अवधी स्टाइल की बिरयानी। तो ये टोटली अलग होती है हैदराबादी स्टाइल से, जहाँ पे उसमें मिक्स मसाले होते हैं,
इसमें टोटली अलग स्पाइसेस होते हैं और ये मसाले आपको एकदम से आपको इसमें मिलते नहीं हैं, ये कम्प्लीटली मिक्स होती है। तो चले ट्राई करते हैं। इसके पहले ही बाइट में मुझे ज़ैफ़रान, जो सैफ़रान होता है केसर, उसका हल्का सा टेस्ट आया। बाद में जो घी या ऑयल में जो बनती है उसका, और स्पाइसीनेस में एकदम सटल है ये, थोड़ा हल्की सी स्पाइसी बट फ्लेवर एरोमा है इसमें। ये लखनवी आवधी स्टाइल बिरयानी है। इसका गोश्त भी ट्राई करेंगे हम लोग, कैसा है देखते हैं। तो पहले बिरयानी को इन्जॉय करते हैं। और इसमें मुझे एक हैवी इन्फ्लुएंस लगा, जो दूध या दही का जो होता है, एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इसमें, जो इसका टेस्ट बढ़ाता है। और बाकी सभी मसाले हैं हल्का सा, या बोलूँगा मैं उससे भी कम स्पाइसी है ये, स्पाइसीनेस में बिल्कुल ही लाइट है। चलिए अभी इसका मेन गोश्त देखते हैं। माशाल्लाह, यहाँ पे देखिए कैसा गोश्त है इसका। तो ये लखनवी स्टाइल की मटन बिरयानी है। इसका बहुत ही मटन तो डेफिनेटली गला होगा क्योंकि इसके हिसाब से लग दिख रहा है। मटन के दो ऐसे बड़े पीसेस आते हैं इसमें, इस बिरयानी में। और इसका मटन बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी है, एकदम टेंडराइज गला हुआ, बिल्कुल ही फुल एरोमेटिक, और टेस्ट पूरी बिरयानी का टेस्ट भी है इसमें, मस्त है गला हुआ एंड वेरी डिलीशियस। टेस्टी मटन का पीस है, लखनवी आवधी बिरयानी है ये। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है लखनवी आवधी खाने का इन बेंगलुरु कोरमंगला। तो कोरमंगला का लखनऊ स्ट्रीट में आया हूँ मैं आज, क्योंकि मटन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये ओवरऑल एक ज़बरदस्त बिरयानी, तो इसका साइलेंट टेस्ट करते हैं अभी चेक। और ये जो सालन के साथ जब आप खाते हैं तो बहुत ही मस्त लगता है। ये सालन है, ये सालन में एक घी है और हरी मिर्च का इन्फ्लुएंस है और मसाले हैं, तो खाने में आपको मज़ा आता है ये। इसके साथ बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है मटन, और थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया, बिरयानी अपने आप में बहुत ही लाइट स्पाइसी है, लेकिन ये जब आप इसके सालन के साथ खाते हैं तो ये कम्प्लीटली इसको कम्प्लीट करती है स्पाइसीनेस इसका। अभी देखिए कैसा इसका गोश्त है, मस्त गला है ये, जैसे मंदी का गोश्त होता है, जैसे टेंडराइज होता है वैसा ही, लेकिन थोड़ा उससे कम और लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्टी। तो पूरे बिरयानी के मसालों का टेस्ट इसमें आया है, ओवरऑल टेंडराइज मटन मस्त है, खाने में मज़ा आ रहा है। और इस लखनवी जायके को हम ख़त्म करेंगे आवधी खीर के साथ। यहाँ पे देखिए ये खीर है, इसके साथ हम हमारा जायका ख़त्म करेंगे। ठंडी इसको क्ले के यानी कि मिट्टी के छोटे से कटोरी में इसमें इसको दिया गया है खीर को। ये खीर एकदम मीठी है, मस्त है, चावल की खीर लग रही है, और इसमें कंडेंस मिल्क भी है और रेशेदार एकदम अच्छा। दिस इज़ अ एक आवधी खाने को, खाने के बाद आवधी खीर से हमने जायके को ख़त्म किया। मस्त खीर है, ठंडी ठंडी मीठी। तो ये जो आउटलेट है, जो लखनऊ में टुंडे कबाबी हैं उनका ये फ्रेंचाइजी आउटलेट है, और जायके ज़बरदस्त हैं, मस्त हैं, ऑथेंटिक लगे मुझे। तो ज़रूर आप आइएगा अगर आपको गलौटी कबाब ट्राई करने हैं, लखनऊ की आवधी बिरयानी ट्राई करनी है। तो अच्छे सहके हैं, बिरयानी भी मस्त थी लखनऊ स्टाइल की अवधि, और गलौटी कबाब टुंडे पराठे के साथ तो अमेजिंग थे। तो ये था लखनऊ स्ट्रीट का जायका कोरमंगला का। तो हमें ज़रूर नीचे बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खाना मुबारक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।